किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। नमस्कार, बड़ी खबर में नमामि गंगे। वो गंगे जिसके नाम पर वोट बटोरे गए, जिसके नाम पर आस्था जताई गई, जिससे पुराना रिश्ता जताया गया, लेकिन आज उसी गंगे के नाम पर देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि ऐसी योजना से तो 200 साल में भी गंगा साफ नहीं होगी। हमारी पीढ़ी तो पता नहीं साफ गंगा देख भी पाएगी कि नहीं, लेकिन अगली पीढ़ी को साफ गंगा देने की कोशिश कीजिए। कोर्ट ने कड़े तेवर दिखाते हुए सफाई का टाइम फ्रेम भी मांगा है। सरकार ने सोमवार को दायर अपने हलफनामे में कहा था कि गंगा की सफाई को राष्ट्रीय प्राथमिकता का दर्जा है, गंगा नदी में से प्रदूषण कम किया जा रहा है, गंगा की पवित्रता को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, लोगों को जागरूक करने की मुहिम जारी है, गंगा रिवर बेसिन पर दिसंबर तक रिपोर्ट आएगी और IIT के एक्सपर्ट्स का एक समूह रिपोर्ट तैयार करने में लगा है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि आप एक ऐसा प्लान बनाइए जिसमें स्टेज वाइज बताया जाए कि गंगा की सफाई किस तरह से होगी। स्थिति यह है कि इससे पहले भी अगस्त में कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आप गंगा की सफाई कर रहे हैं, ये तो आपके घोषणा पत्र में है। मोदी सरकार के लिए गंगा की सफाई और बनारस का विकास प्रधानमंत्री के भाषणों में सबसे पहले झलकता है। सत्ता में आते ही सरकार ने गंगा की सफाई का मसला पर्यावरण मंत्रालय से हटाकर जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय में लाया, फिर इसके साथ अलग से गंगा संरक्षण मंत्रालय भी बनाया गया जिसका जिम्मा उमा भारती संभाल रही हैं। गंगा की सफाई में जुटी नोडल एजेंसी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को भी इस मंत्रालय से जोड़ दिया गया। साथ ही शहरी विकास मंत्रालय की टीम ने भी अगस्त में बनारस का दौरा किया, जो शहर के सुंदरीकरण साथ ही गंगा में जाने वाले सॉलिड वेस्ट और सीवेज मैनेजमेंट के लिए योजना बना रही है। बनारस में हर दिन करीब 30 करोड़ लीटर सीवेज रोज निकलता है, लेकिन शहर में सिर्फ 100 करोड़ लीटर सीवर में ही ट्रीट किया जाता है। माफ कीजिए, 300 लीटर है और सिर्फ 100 करोड़ लीटर ही ट्रीट किया जा सकता है, इसकी क्षमता है। दो प्रोजेक्ट जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत सीवेज को ट्रीट करने के लिए शुरू होने थे, लेकिन कानूनी झगड़े की वजह से वो अभी तक रुके हुए हैं। ये साफ है कि 2525 किलोमीटर लंबी गंगा की सफाई एक बड़ी चुनौती है। चिंता ये है कि 1996 में शुरू हुआ गंगा एक्शन प्लान ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया। 2012 के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20,000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा साफ सफाई के तमाम अभियानों में खर्च हो चुके हैं। तो हम सब के सामने एक बार फिर से सवाल ये है कि जो गंगा की सफाई है सरकार के लिए सिर्फ एक नारा है या उसके लिए एक प्राथमिकता है। आगे बढ़ने से पहले गंगा घाट से बनारस से हमारे सहयोगी अजय सिंह ने कुछ लोगों से बात की, आइए सुनते हैं वहां पे लोगों का क्या कहना है। माँ गंगा ने भी मेरे लिए कुछ काम तय किया और जैसे जैसे माँ गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के बाद जब गंगा घाट पर आए थे तो उन्होंने माँ गंगा की सफाई और इसके जो गंदगी है उसको साफ करने की बात कही थी, लेकिन आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से बनारस के घाट जो हैं वो गंदगियों के अंबार से पटे पड़े हैं। हर तरफ वो मिट्टी आपको दिखाई पड़ सकती है, हालांकि ये मिट्टी बाढ़ के वक्त लाई गई मिट्टी है जो हर साल आती है, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि अगर जिस समय गंगा घट रही थी अगर उसी समय इन मिट्टियों की सफाई कर दी जाती तो शायद एक दिन में गंगा की मिट्टी ये साफ हो जाती, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा की मिट्टी की सफाई जो है वो सारी गंदगी और सब कुछ यहाँ बिखरा पड़ा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानते हैं कि भाई आप तो यहीं रहते हैं, गंगा के किनारे आपका रोजी रोटी चलती है, क्या लगता है आपको इसको देख करके कि क्या है ये, क्यों नहीं साफ हुआ? ये नगर निगम की और प्रशासन की लापरवाही है। लोग आते हैं, अफसर लोग आते हैं, देखते हैं और देख करके ये बोलते हैं कि जल्दी होने वाला है पर होता नहीं है, और न होने के कारण सही समय काम न होने के कारण ये सिल्ट और ये मिट्टी जम गई है
जिसमें ज्यादा खर्च लगेगा और परेशानी आम जनता को, पब्लिक को, पर्यटक को, पर्यटक तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। ये पर्यटक जो बेचारे हैं वो घाट पे, वो उनका मकसद ही होता है कि आए हैं तो गंगा घाट पे जरूर टहल के जाएंगे यहाँ से लेके पनोरमा घाट देखने के लिए, लेकिन वो देख नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है, आप नाविक हैं, आप नाव चलाते हैं, आपकी रोजी रोटी जुड़ी है, आपको क्या लगता है किस तरीके से लोग कूड़ा लाके गंगा में डालते हैं? आप तो देखते होंगे। ये आकार प्लास्टिक होता है, उसमें माला फूल होता है, बहुत सारा हवन सामग्री का चीज होता है, वो लिया के गंगा में फेंक देते हैं। अगर नगर निगम हम लोग का पूरा सहयोग करे तो हम लोग घाट को सफा करें, क्योंकि पूरे बनारस में कम से कम 50% से हम लोग निस्वार्थ मतलब हम लोग सफाई हर साल करते हैं, जो कि शासन प्रशासन का हम लोग सहयोग नहीं। हम लोग कहते हैं हम लोग को मशीन दीजिए और मशीन अपना ले जाइए सफाई के बाद। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि गंगा की हालात जस के तस है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इस समय जो है वो गंदगी और सारी तरफ हर तरफ बिखरी है, जिसके लिए न तो कोई सरकारी मदद कर रहा है, नगर निगम परेशान है, और न ही कोई इस मिट्टी को हटाने के लिए चिंतित है। ये मिट्टी धीरे धीरे खुद यहीं के स्थानीय लोग, चूंकि उनकी रोजी रोटी जुड़ी है, इसलिए वो इसे अपने तरीके से धीरे धीरे साफ करेंगे और वो कहीं ले नहीं जा सकते, लिहाजा ये सारी गंदगी एक बार फिर गंगा की ही गोद में जाएगी। वाराणसी के 80 घाट से कैमरामैन जितेंद्र बहादुर के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, सुधीर कृष्ण, पूर्व शहरी विकास सचिव, हिमांशु ठक्कर पर्यावरण के विशेषज्ञ कुछ देर में ज्वाइन करेंगे हमें, और नवीन रहेजा जी एमडी रहेजा डेवलपर्स के हमारे साथ मौजूद है। नवीन जी से बात करेंगे, जिस तरह से बनारस के सौंदर्यकरण की बात हो रही है, वहां कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट भी डेवलप होने वाला है, उस पहलू पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन पहले नमामि गंगे और गंगा की जो साफ सफाई है उस पर किस तरह की सरकार की हमारी वो प्राथमिकता है या नहीं, उसको समझेंगे। जीवेल जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्या ये मसला सरकार के लिए फ्रंट बर्नर में है कि बैक बर्नर में? सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से ये भी है, और जो आज ये पूरा प्रोग्राम अब सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर आधारित है। मैं ये कहूं बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार, या ऐसे स्टूडेंट है जो हम समझते हैं, जनता समझती है, जो 90-100 में से 90 मार्क्स लेके आने वाली सरकार है, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि आप 95% कैसे ले पाएंगे, आप पूरे आपकी प्रणाली का बताइए। ओके, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 20 मार्क लेकर के पिछले 15 साल से 25 साल से कोई काम नहीं की, एक्चुअली मैं समझता हूं आज जो भी कोर्ट की टिप्पणियां हैं वो एक्चुअली इट्स एन इंडाइटमेंट ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, क्योंकि उस कार्यकाल में पिछले 10 साल में जब एनडीए यूपीए सरकार में थी कोई काम, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो बनाया गया 2009 में, उसके मात्र 3 मीटिंग हुए हैं, उसमें से जो मेंबर बनाया गया वो मेंबर छोड़ चुके हैं, क्योंकि यूपीए के लिए कोई इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। और हमारी सरकार मात्र 100 दिन से है, ऑलरेडी एक कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज को बनाया गया, वो कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया सरकार को, उसके बाद एक कंसोर्शियम ऑफ आईआईटीज को अभी उनका गठन हुआ है, वो भी अपने रिपोर्ट देंगे, हो सकता है 3 महीने इसमें लगेंगे। और एक प्लान था, ये बर्नर में है या बैक बर्नर में है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में पूछा था। आज फिर सुप्रीम कोर्ट नाराज होती है, सरकार कहती है कि जो आपकी योजना सामने आ रही है उससे तो लग रहा है कि 200 साल लग जाएंगे सफाई होने में, हमारी पीढ़ी को पता लगेगा कि नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप अगर कह रहे हैं सब कुछ यूपीए सरकार का है, तो यूपीए सरकार में जो धांधलियां हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी थी। यहां पर भी अगर आपको सरकार अलर्ट कर रही है, बिल्कुल सचेत कर रही है, तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, बुरा नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है इंडिया सरकार से बहुत अपेक्षा है, जैसा जनता को बहुत अपेक्षा है, उस अपेक्षाओं के मुताबिक ये सरकार काम कर रही है। इसमें भी ऐसे ही हम खड़े उतरेंगे तो उसमें बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अपेक्षा की बात यह है सर, जब पिछले अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार आपकी गई थी, उसमें तब तक आप सरकार की तरफ से बताया गया कि ये पर्यावरण मंत्रालय से हमने जल संसाधन मंत्रालय में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उसके बावजूद दे हैव नॉट येट ट्रांसफर्ड द फाइल्स टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। 4 को हुआ, 1 महीने तक फाइल्स वो नहीं हो रही थी। जब ये टॉप मोस्ट एजेंडे में है, जहां पे भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं सबसे पहले बनारस का वो जिक्र करते हैं, गुजरात करते हैं, फिर बनारस का साथ साथ जिक्र करते हैं, ऐसे में ये प्रायोरिटी है, बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि जिस प्रकार से, लेकिन 100 दिन में टॉक्सिंग और चीजों में जिस तरह से सरकार आगे बढ़ी, जिस तरह से सरकार नंबर आगे लेने की कोशिश में है, इसमें क्यों फटकार लगा सुनी पड़ी? ये ऐसा विषय है, ये बहुत ही टेक्निकल विषय है,
ये कोई सफाई करने का मतलब ये नहीं है कि कल से हम सफाई शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसके लिए पूरी प्रणालिका होना चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की पूरी राय लेना चाहिए, एक प्रणालिका के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। उसमें पूरी सरकार पहले महीने से इसमें लगी हुई है, तो इसलिए कहीं भी ऐसा समझना कि ये सरकार सीरियस नहीं है, ये सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये करके दिखाएगी ये सरकार। इसमें आएंगे हम, प्राथमिकता है कि ये सिर्फ एक नारा है, क्योंकि हमारी सबकी आस्था देशवासियों की गंगा नाम से जुड़ी रहती है। अखिलेश जी, जीवीएल कह रहे हैं कि ये यूपी जो एनडीए सरकार है उस पर कोई टिप्पणी नहीं है कोर्ट की, 3 महीने भले ही हो गए हो, लेकिन ये टिप्पणी यूपीए के जो इतना साल का कार्यकाल रहा, जो गंगा के लिए वायदे किए, 96 से गंगा एक्शन प्लान चला, 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुई है, उस पर टिप्पणी है। कोर्ट ने ये भी कहा है, अगर एक सेंटेंस में ऐड करूं, कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगस्त 13 को आप यूपीए वाली अप्रोच मत बनाइए, यूपीए ने कोई काम नहीं किया, ये सर खुद सुप्रीम कोर्ट मानती है। तो लेकिन तो आप भी उसी राह पे चल रहे हैं 100 दिन में। लेकिन 100 दिन कोई समय नहीं है, 100 दिन के अंदर पूरे क्लीनिंग हो सकता है, ऐसा कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं। स्टेप्स की बात है, मैं तत्पर है कि नहीं कितने उस पर आऊंगी, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने वहां पे रिपोर्ट भेजी है, बनारस में 3 हफ्ते हो गए गंगा का पानी जो बैंक से उससे उतर चुका है, उसके बावजूद मिट्टी पड़ी रही, ना तो कोई वहां से जो लोकल बॉडीज का कोई आया साफ करने, जो लोग हैं अपने आप पंप लगाकर साफ कर रहे हैं। तो जो ऊपर से हम बातें सब देख रहे हैं, लेकिन बनारस में कुछ अभी जमीन पे हिला नहीं है। मेरा मतलब ये है, प्रधानमंत्री का कहना ही बहुत काफी था जो लोकल एजेंसीज हैं कि अलर्ट होने के लिए, जो वहां की लोकल बॉडीज हैं कि भाई आप मिट्टी हटाइए, गीली होती है, अब 3 हफ्ते मिट्टी सूख चुकी है, वो गाड़ी हो गई है निकालना। कौन सी लोकल समस्या के बारे में बता रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। आपकी, नहीं, आपकी जो बनारस की बात आएंगे इस पे कर जी। अखिलेश जी बोल दीजिए आप। अगर GDP 1% बढ़ती है तो जापान में मोदी जी बताते हैं कि मेरी बदौलत है, और जब ये सरकार आती है तो नमामि गंगे एक नया नाम देती है और कहती है कि हमारी प्रमुख प्राथमिकता पे है, हम टाइम बाउंड ये कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में ठीक हवा हवाई जाते हैं, बताते हैं, और सुप्रीम कोर्ट डांटता है तो बता रहे हैं कि वो पिछली सरकार को डांट रहे हैं। अरे भाई, अगर आप इतने कमिटेड हैं, मिनिस्ट्री अलग कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो आपको कंक्रीट प्रोग्राम बताना चाहिए। वो है नहीं, क्योंकि ठीक उसी तरह से रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। तो गंगा मैया हम आएंगे, सफाई कराएंगे, समय नहीं बताएंगे, जो इन लोगों का रिवायत रहता है। दूसरी बात, इस पर बहुत काम हो चुका है, और बहुत मतलब काम इन द सेंस कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। जमीन पे अभी बहुत नहीं आया है, काफी कुछ आया है, जो है पहले हेरिटेज सिटी के नाम पे और उसके बाद जेएनयू आरएम के थ्रू। अखिलेश जी, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, सरकार ने पैसे दिए, बनाए नहीं, लेकिन वो लीगल उसपे इतने जुटे रहे कि वो शुरू नहीं हो पाए। तो पेपर वर्क सब सरकारें करती हैं, आप लोग पेपर वर्क कर लेते थे, ये लोग नारे का काम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ हो नहीं रहा है। मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी सुधीर मिश्रा जी को। मेरी पूरी बात हो जाने दें, निधि मेरा सेंटेंस कंप्लीट होने दें जी। एक्चुअल में है क्या कि केंद्र सरकार पैसा देता है और एक प्रोजेक्ट बनाया है बनारस के, पूरा डिटेल प्रोजेक्ट है, करीब 300 पन्ने का है और 2005 के बाद से शुरू हुआ है। वो कार्यदायी संस्थाएं मैक्सिमम उसकी जो है 99% स्टेट की गवर्नमेंटे हैं, चाहे सीवेज का हो, चाहे वाटर का हो, चाहे क्लस्टर अपना जो झोपड़ पट्टी इलाके हैं, या मतलब उसमें 25-30 आइटम्स हैं। वो करता कौन है? वो प्रदेश सरकार, उसमें चलती है मनमानी, जिस मानक से जैसे समयबद्ध तरीके से करना चाहिए वो नहीं हुआ। ये भी एक संकेत और एक मैसेज की बात होती है। आप लोग की सरकार सत्ता में रही, आप लोगों ने भी बहुत पेपर वर्क किया, अब इन लोगों की सरकार जो अब हमारे सामने देश की सरकार है उससे हमें उम्मीद है। यहाँ पे हमारे साथ सुधीर कृष्ण जी मौजूद हैं। आपने सर एक रिपोर्ट भी तैयार की, ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ किया नहीं, आपने क्या रिपोर्ट में क्या आपको सामने आया, क्या आकलन रहा? जो मैंने वाराणसी में जून में गया था मैं, और काफी लोकल अधिकारियों से, मेयर से, डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो भी अधिकारी हैं उनसे मिलके, और उसके कुछ महीने पहले भी मैं गया था, और ये पाया गया है कि ये समस्या ऐसी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा जटिल है। ये सही है कि ये समस्या सालों से है, दशकों से है, लेकिन इसका निदान करने का जो रास्ता है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा।
और वो बदलाव इस तरह से कि डिसेंट्रलाइज मोड में हमें सारी योजनाएं चलानी पड़ेंगी। जैसे आपने कहा कि 300 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन वाराणसी में जनरेट हो रहा है और केवल 100 मिलियन लीटर ट्रीट हो रहा है, तो 200 मिलियन लीटर की योजनाएं हैं वो बेशक पूरी हो जाएंगी आज नहीं तो कल, लेकिन उसमें बड़ी भारी मुश्किल ये समझ में आ रही है कि एक तो वहाँ पावर की प्रॉब्लम है पूरे यूपी में, और उसमें हम जाएंगे डिटेल में। सर, जो पॉलिटिकल विल है या जो पॉलिटिकल मैसेज, वो सबसे मजबूत सामने आता है किसी भी एक्शन को, जो जो एक्शन जो है वो दिखे जमीन पर, उस लिहाज से क्या आपको जमीनी स्थिति लग रही है? मतलब ये पॉलिटिकल विल अपनी जगह तो आवश्यक है, लेकिन उसको अगर कारगर चलाना है तो एक इम्प्लीमेंटेबल मोड होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क की जरूरत है। वो जो इम्प्लीमेंट करने में जो लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनका रोल बढ़ाना होगा। अभी ये है कि वो केवल एक एजेंसी निमित्त बन के रह गई हैं और सारी योजनाओं का अप्रूवल। सर देखिए, जो तत्परता की बात ये है कि अब लगातार नई सरकार आई है, वो यहाँ पे केंद्र के लेवल पर तमाम चेंजेस कर रही है, सब सेंट्रलाइज एक तरह से कर रही है कि समाप एक नोडल एजेंसी बन जाए जिसके तहत ये काम हो, वो भी अपने आप में सही है। लेकिन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर जो है या लोकल एजेंसीज हैं, मेरे रिपोर्टर हमारे रिपोर्टर अजय सिंह की रिपोर्ट अब 7 बजे के कार्यक्रम में बुलेटिन में दिखाएंगे हम कि किस तरह से वहां पर पानी गंगा का उतर जाता है, बैंक्स पर मिट्टी जमा हो जाती है, गीली थी 3 हफ्ते हो गए, किसी ने कोई भी एजेंसी ने वहां पर हरकत में नहीं आई करने के लिए। तो जो लोकल लोग हैं वो कर रहे हैं, पंप सेट लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो ये किसकी इसका मतलब तो ये कि जो एजेंसीज है वो काम ही नहीं करना चाहती। भाई, जो प्रधानमंत्री वहां को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे बड़ा और कौन सा शहर हो सकता है? एजेंसी काम करना नहीं चाह रही के बजाय हमें ये कहना पड़ेगा कि एजेंसीज को उत्तरदायित्व तो दिया गया है कि नहीं काम करने का, ये भी देखना पड़ेगा। अगर उनकी रिस्पांसिबिलिटी ये बन गई है, किसी की तो रिस्पांसिबिलिटी होगी, किसी की तो रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन अब क्या है कि अभी जो हमने पद्धति, जो प्रणाली हमने अब तक जिसका अनुसरण किया है पिछले 20 सालों में और अभी तक भी चला आ रहा है कि सभी चीजें केंद्र सरकार तक आएंगी अप्रूवल के लिए, अलग अलग मंत्रालय की योजनाएं हैं, उसमें जो सारी एजेंसी लोकल हैं वो केवल एक मीडियम बन के रह गई है, वो उनकी अथॉरिटी नहीं है कि जो होना ये चाहिए कि अब सारी और आपने जो शब्द का डिसेंट्रलाइज योजना, डिसेंट्रलाइज बहुत जरूरी है। आप तो पानी के विशेषज्ञ हैं सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है सरकार को, अब हमें दिसंबर तक रिपोर्ट का इंतजार करना ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि दिसंबर तक, उससे पहले कुछ हो नहीं सकता, उससे जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी एक सॉलिड एक्शन प्लान हम सबके सामने आएगा, लेकिन आप किस तरह से आंक रहे हैं सिचुएशन को? देखो, ये सरकार ने अभी तक जो किया है वो एक तरफ सिंबलिज्म के नाम पे बहुत कुछ किया है, गंगा रिजुविनेशन करेंगे उसके लिए मंत्रालय का नाम अलग दे दिया, उनको वहां के ट्रांसफर कर दिया डिपार्टमेंट, और कहा कि हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन एक एक्शन आज तक ये सरकार ने नहीं लिया है। 100 दिन काफी होते हैं एक्शन लेने के लिए, जो गंगा को रिजुविनेशन की तरफ, पुनर्जन्म की तरफ ले जाए, एक एक्शन नहीं लिया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, और जो एक्शन लिए जा रहे हैं दे ऑल बिजनेस एज यूजुअल, जो पिछली सरकार कर रही थी उसी को आगे धकेले जा रहे हैं। और वो ऑन द कॉन्ट्ररी, 7 जुलाई को गंगा मंथन का मीटिंग किया, उसमें मुझे भी बुलाया गया था, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था, वो था कंसल्टेशन, लोगों से जानकारी लेने के लिए कि हम गंगा के लिए क्या कर सकते हैं। और उसके इनॉग्रल फंक्शन में गडकरी जी अनाउंस करते हैं कि हमने तय किया है कि गंगा पे 16 बैरेज बनाएंगे हर 50-100 किलोमीटर पे, उसके लिए हमने पूरा प्लान बना दिया है, विश्व बैंक को भेज दिया है, फाइनल स्टेज में है। ये किस तरीके का कंसल्टेशन है? गंगा पे अभी एक बैरेज है फराक का, वो इतना इसका बुरा असर हुआ है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था कलकत्ता पोर्ट के लिए पानी, वो तो हासिल नहीं हुआ है। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसने अपस्ट्रीम में इतना नाश किया है, मछली पालन का, नदी का, सिल्टेशन का, इरोजन का, फ्लड का, इतने असर किए हैं, उसका कोई आकलन आज तक नहीं हुआ है। वो गंगा में भी बिजनेस है, एक मिनट, मैंने आपको रोका नहीं था, मुझे कंप्लीट करने दो। एक बैरेज ने ये किया है, वो यहां तक कि बांग्लादेश ने कहा था कि हम आपको यूएन ले जाएंगे, और आप कह रहे हैं हम 16 बैरेज बनाएंगे, वो किस लिए? गंगा को नेविगेबल बनाएंगे। नेविगेबल आज से 60 साल पहले गंगा थी, तभी एक भी बैरेज नहीं था।
बैरेज की जरूरत नहीं है गंगा को नेविगेबल बनाने के लिए। इनफैक्ट नदी को पुनर्जीवित करना मतलब सबसे पहले समझना कि नदी क्या है, और दूसरा पिछले 40 साल से हम जो कर रहे हैं उससे सीखें कि कहां गलती हुई। ये दोनों दिशा में कोई उनका समझ नहीं है, आगे की दिशा में कोई रोडमैप नहीं है। जो उन्होंने IIT कंसोर्टियम की बात की, वो तो जयराम रमेश के टाइम से काम कर रहा है IIT। मैं खुद IIT का प्रोडक्ट हूँ और मुझे नाज है उसके बारे में, लेकिन IIT की एक्सपर्टाइज गवर्नेंस में नहीं है, नदी को साफ करने में नहीं है। दे हैव नो नॉलेज ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। प्रॉब्लम गंगा का टेक्नोलॉजिकल नहीं है, प्रॉब्लम गंगा का जापान से पेड़ का नहीं है। जापान यमुना एक्शन प्लांट फेज 1, 2, 3 और गंगा एक्शन प्लांट फेज 1, 2 को पैसा देते आ रही है। इज देयर अ सिंगल सक्सेस स्टोरी फ्रॉम दैट? तो जापान के आने से ठीक नहीं होने वाले, पैसे आने के से ठीक। दृष्टि चाहिए कि नदी क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन हैज टू बी अ वेरी की, एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल एजेंसी हैज टू बी वेरी की, और जिन लोगों की जिंदगी नदी के ऊपर निर्भर है उनसे पूछा जाए। लेकिन इस सरकार इतना दमन है, किसी को पूछना नहीं। बिजनेस नजर आ रहा है गंगा में, भी बिजनेस नजर आ रहा है क्या? वो बात में आता हूँ, मुझे लगता है कोई एक्सपर्ट इनकी कुछ राय हो सकता है, मैं कोई दूसरे एक्सपर्ट को ले आऊंगा, वो कोई दूसरा राय प्रकट करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये जो कह रहे हैं यही एक व्यू हो सकता है। मैं नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कोई दूसरा एक्सपर्ट आएंगे तो उनकी आलोचना दूसरी तरह हो सकती है। तो इसलिए डेवलपमेंट सेक्टर में एनजीओ का, एक्सपर्ट का, हर एक का अपना दृष्टिकोण है, वो रख सकते हैं, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। डिपार्टमेंट है ये, तो उमा भारती का डिपार्टमेंट है, और दूसरा जहां तक जो उसके चेयरमैन है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप के चेयरमैन नितिन गडकरी, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना है तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होना स्वाभाविक है। और दूसरी बात, और डिसेंट्रलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, आपने हमारे मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। हमने यही कहा है कि क्लीनिंग ऑफ रिवर्स सिर्फ गंगा की बात नहीं है, कोई भी उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन के बिना नहीं हो सकती है। डिसेंट्रलाइजेशन कोई रोड में अपनी कोई दृष्टि नहीं है। आप समझते हैं बहुत ज्यादा काम जल्दी में हो रहा है, जल्दी सारा अनाउंसमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ कोर्ट कहती है नहीं नहीं, ये कोई एक के क्रिटिसिज्म से पूरा हम समझे कि यही एक राय है। मैं समझता हूँ ये गलत है, इनकी पर्सनल राय है, की बात आप ठीक है, आपकी राय हो सकती है, मैं इसमें विभेद आपको विभेद नहीं प्रकट कर सकता हूँ। आपकी राय आपकी, इट्स योर ओनरशिप। जहां तक सरकार की सवाल है, सरकार सबसे बात करके, एक्सपर्ट से बात करके, आप कह रहे हैं IIT के पास एक्सपर्टीज नहीं है, गवर्नेंस IIT से कौन मांग रहा है? आप गवर्नेंस आप इंप्लीमेंट करो, प्रोजेक्ट रिजुविनेशन का काम गवर्नेंस से टेक्नोलॉजिकल नहीं है। एक्सपर्ट्स आप किसी भी सेक्टर में बुलाओ, आप हर एक का अपना राय होता है, हर एक समझते हैं मैंने जो किया वही सही है, सरकार कुछ नहीं जानती है। ये बिल्कुल इस तरह गवर्नेंस नहीं चलता है। वहां जो बैठे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उनका 12 साल का अनुभव है, जनता ने उनको साफ करके जनता ने उनको दिखाई है, जनता जनता उन पर विश्वास जताया है, गुजरात उनको साफ करके दिखाई हो तो दिखाई है गुजरात उनको। आप इसलिए आप अपनी राय कर सकते हैं, लेकिन सरकार की अपनी अपनी दायित्व है, सरकार को जनता को जवाब देना है, न सिर्फ आपको जवाब देना है, जनता वो जवाब वो काम करके दिखाएगी, वो सरकार पर भरोसा रखिए। ठीक है, लेकिन जिस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, जिस तरह से सने अभी आप ही की सरकार में इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी है, ये कह रहे हैं कि इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जो लोकल अथॉरिटीज है उनको भी साथ में लिया जाए। क्या सरकार जल्दबाजी में तो नहीं, क्योंकि जवाबदेही देनी है, ये भी उठता है सवाल, ये भी आ जाएगा। लेकिन मैं नवीन रजब को ले आती हूँ, आपको तय करना है कि हम बहुत जल्दी जा रहे हैं या बहुत स्लो जा रहे हैं। आएंगे इस पर आएंगे, लेकिन मैं, क्योंकि पहला सेगमेंट हमारा समाप्त होने वाला है, सर आपको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिपोर्ट्स भी आ रही है, हमारे चैनल्स पे चल रही है कि वहां पे जो रियल एस्टेट के बनारस बिल्कुल चमकने वाला है, बनारस पे नया हाउसिंग सारे स्कीम्स वहां पर आ रही हैं, बनारस बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप किस तरह से इसे देख रहे हैं, ये कंफ्यूजन आपके जहन में भी है? सबसे पहला एक बात जानता हूं कि अगर माइंडसेट नहीं हो तो आप कितना भी कुछ कर लेंगे, आपका कोई रिजल्ट किसी काम में नहीं निकल सकता। इसमें बहुत सिंपल सा चीज चाहिए, हम कॉलोनीज बनाते, हम कॉलेज में वाटर रिसाइकलिंग और STPs लगाते हैं, हमारा जो पानी है उसको हम इवन फ्लश में रीयूज करते हैं। ये काम एक सिंपल इम्प्लीमेंटेशन बाय ए लोकल लेजिस्लेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात हो रही है, ये क्यों नहीं किया जा सकता? पहला आप कॉलोनी लेवल पे करें, उसके बाद कुछ बचता है तो आप सरकार पे छोड़ें कोई बात।
आप ये छोटी सी चीजें बनारस में सर 80% घरों में शौचालय का पाइप वो सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है। हम जापान का रेफरेंस दे रहे थे अभी। जापान में आप जो भी देखे, मैंने वहां जाके सारे स्टडी किया, देखा वहां हर एक घर को, जब आप कोई कॉलोनी बनाते हैं तो हर एक घर में एक छोटा मिनी एसटीपी है, वो एक कंपल्सरी है लगाना। आप गंदा पानी सिस्टम में वापस डाल ही नहीं सकते। और अगर आप बनारस के घाटों में गए होंगे तो वहां पे एक घर के ऊपर दूसरा घर और सदियों पुराने घर एक साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो वो एक घर के साथ दूसरा घर, तीसरा घर, और शौचालय उसमें है भी कि नहीं, जो हवेलिया टाइप वहां पे बने हुए हैं। बहुत बड़ा मुश्किल चुनौती है कि सीवेज सारा सीधे गंगा में जा रहा है। आप गंदगी डालेंगे तो गंदी गंगा गंदी होगी। अगर आप गंदगी को ना डालने का तरीका निकालें पहले, पहला ये जरूरी है। और वो आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे मत रखें कि ये सरकार में वहां पे जाके अब 300 ml की जगह 100 ml का ट्रीटमेंट हो रहा है, 200 का नहीं हो रहा है, ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा नहीं होगा। स्थिति चुनौतीपूर्ण है, 40 साल तक जब कुछ नहीं हो पाया, लेकिन चेंज करेंगे कॉलोनी लेवल पे, आप इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी को डिस्कस करेंगे सर। बनारस के एक बहुत पहले डीएम आए थे, उन्होंने क्या किया था बनारस की साफ सफाई के लिए, एक छोटा सा नुस्खा उन्होंने सुझाया था वहां पे, और वहां पे बहुत उसका असर देखने को मिला था। एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे आपको, बने रहिए बड़ी खबर के साथ, तुरंत लौट रहे हैं। मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो नमामि गंगे हमारे कार्यक्रम में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गंगा की सफाई के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है हमारी सरकार के लिए। प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र हैं जो गंगा की सफाई में उन्होंने बहुत काम किया है, बनारस में रहते हैं, और कुछ साल पहले जब मैंने गंगा पे डॉक्यूमेंट्री की तो उन्होंने मुझे बताया था कि एक डीएम आए और उन्होंने गंगा के घाटों के लिए एक आदेश जारी कर दिया कि कोई भी पशु उसको वहां पे नहीं नहलाया जाएगा, साबुन का इस्तेमाल आप गंगा की नदी पर नहीं करेंगे, करेंगे तो वह फाइन लगवाएंगे। इस छोटे से मैसेज से और सख्ती से वहां पे इतना बदलाव आया कि वाकई काफी हद तक घाटों पे सफाई देखी गई। हालांकि ज्यादा जो पोल्यूशन हमारे गंगा का होता है वो है सीवेज से, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ज्यादा होता है, लेकिन ये छोटे मोटे कदम जब हम आम आदमी उठाएंगे तब जाके हमारी गंगा साफ होगी आगे। अब मैं आपको सर लेकर आना चाहती हूं, आपने वहां पे रिपोर्ट तैयार की गंगा के घर, आपने गंगा घाट पे वहां पे, अगर सिर्फ हम बनारस को फोकस करें, अभी हम कानपुर नहीं जाते, इलाहाबाद नहीं जाते, कोर्ट ने बोला है कि इलाहाबाद में बहुत गंदगी थी, सबसे ज्यादा वहां पोल्यूशन था, लेकिन अगर हम सिर्फ बनारस और गंगा की बात करें, वहां पे घरों के अंदर एक तरह से घर है, सीवेज लाइन सारा, इतना सारा सीवेज गंगा में सीधे जाके गिरता है, सबसे बड़ी पहली चीज तो यही आम आदमी को नजर आती है। क्या ये कभी रुक पाएगा? ये रोकना असंभव नहीं है, लेकिन जैसा शहर वो विकसित हो गया है, पहले भी था इतना, और अब ये बड़ी बड़ी पाइपलाइन से ये समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। इसके लिए लोकलाइज डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इतने डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं, बायोडाइजेस्टर बना के वो एक दो घरों के लिए, एक एक घर के लिए बायोडाइजेस्टर। इसमें बायोडाइजेस्टर में होता क्या है कि बैक्टीरिया जो है वो फीकल मैटर को डिकम्पोज करता है मीथेन गैस और पानी में, और इतना हल्का मीथेन गैस है कि एक घर से इतना कम निकलेगा, पोल्यूशन नहीं होगा, और अगर कई घरों को मिला के लगाएंगे तो इतना भी निकलेगा कि कहीं पर एक होटल या रेस्टोरेंट को भी गैस को कुकिंग के लिए दे सकते हैं, और दूसरा पानी निकलेगा जो कि काफी साफ होगा, जिसको कि हम सीवेज मान नहीं सकते। अपनी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए, ये भी दिया हमने, और बायोडाइजेस्टर में जहां मैंने एक लगाया भी है वो, इसका कॉस्ट भी इतना कम है कि एक बायोडाइजेस्टर जो कि दो तीन घरों के लिए या एक घर के लिए, उसकी कॉस्ट लगभग 50,000 रुपए आएगी, बहुत छोटा सा है, इजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस फ्री। सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी इस पर?
अब ये तो है कि हमने अभी प्रपोज तो किया है राज्य सरकार को भी, और ये किसी को कहने ही नहीं है इसमें, ये तो म्युनिसिपैलिटी खुद ही कर सकती है। लेकिन जैसे नेशनल मिशन है, अब हम अब आवश्यक ये है कि सिटी मिशन बने। सर जैसे आपने रिपोर्ट दी तो आपने इस मंत्रालय को रिपोर्ट दी है जी, जी, जो ये पूरा गंगा पे स्पेशल मंत्रालय बनाए, तो वो अब आपकी रिपोर्ट भी उसने रख ली है, साथ में वो दिसंबर में भी रिपोर्ट आएगी। आप कैसे देख रहे हैं, हाउ सरकार किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश में? सरकार जरूर कम बहुत से कुछ कर रहे हैं, वो तो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी उन्होंने दाखिल किया है, उसमें भी कहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नेशनल मिशन के साथ साथ राज्यों को और नगरों को अपना भी मिशन बनाना पड़ेगा, जैसे वाराणसी मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये कहना पड़ेगा। ठीक है हिमांशु, आपने एक बहुत बड़ी सवाल जो आपने उठाया कि नदी को समझने की हम सबको जरूरत है। एक तरफ जो बांधों की आपने बात की कि नितिन गडकरी जाके ऐलान करते इतने सारे बराजेस बन जाएंगे, ये अपने आप पे एक सवाल है जिसकी सरकार जवाब देगी। जीवीएल कह रहे हैं कि ये आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है गंगा को बचाने के लिए आपका क्या नजरिया है? देखो गंगा को बचाने के लिए हम क्या बचाना चाहते हैं वो पहले समझें, गंगा क्या है। गंगा सिर्फ 2525 किलोमीटर लंबी नदी नहीं है, वो 25,000 किलोमीटर लंबी नदी है, क्योंकि हर जो उपनदी है उसकी वो यदि जीवित नहीं होगी तो गंगा जीवित नहीं रह सकती। तो हमें हर उपनदी तक जाना होगा और हर उपनदी में जो कम्युनिटी उसका यूज कर रहे हैं उनको उसके साथ जोड़ना होगा। आज सरकार के गंगा एक्शन प्लान में पिछले 40 साल से और ये सरकार ने अभी तक जो किया है, कहीं भी लोगों को डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन में जोड़ने की कोई दृष्टि नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, वो नहीं होगा। और वो पॉल्यूशन कंट्रोल में हो चाहिए, अर्बन स्वेज ट्रीटमेंट में। आज दिल्ली में, दिल्ली का एग्जांपल है, वो भी गंगा बेसिन में है, बिल्कुल वो गंगा बेसिन में नेशनल कैपिटल, देश का सबसे बुरा उदाहरण दे रहा है कि नदी को कैसे ट्रीट किया जाए। दिल्ली में 22 स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये सरकार को उसके पास दिल्ली का भी जिम्मा है, वो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट क्यों काम नहीं कर रहे आपको पता है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे पता है? कितना ट्रीटमेंट करना चाहिए कितना कर रहे हैं पता है? 100 दिन में ये भी नहीं कर सकते आप, देश की राजधानी में बैठे हुए आप नहीं कर सकते। यानी ये आपके पास मंशा हो तो एक एक छोटे छोटे कदम लेके, एक एक स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट यदि उसका गवर्नेंस बिठाए, उसके लिए ट्रांसपेरेंट करे, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे, उसके लिए जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे माइक्रो लेवल पे। बड़ी मानसी उसका सवाल ये होता है कि इतने सालों से इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने फोकस हमारा कहीं और रहा। बिल्कुल ये एक्चुअली यही मैं कह रहा था कि हम सीखें कि पिछले 40 साल से आप जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल तंत्र ले लीजिए, इसी में ले लेते हैं, 1974 से है, एक सक्सेस स्टोरी नहीं है पॉल्यूशन कंट्रोल जी। और ये एक सेंटेंस, ये सरकार पॉल्यूशन और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का जो पूरा लॉ और मैकेनिज्म है उसको डाइल्यूट करने में लगी है, उसको स्ट्रेंथन करने की जगह पे, तो गंगा इससे बचेगी नहीं, खराब होगी। देखिए ये एनवायरमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ उसका सरलीकरण हो रहा है जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन को खतरा हो रहा है। और लेकिन एट द सेम टाइम ये जो क्लीन रिवर्स के लिए जो कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो जिसका डाइल्यूशन किया जा रहा है उससे कोई खराब असर नदियों पर नहीं पड़ने वाली है, जबकि ये सरकार इसमें लगी हुई है कि जो इंडस्ट्रीज के कारण जो एक्चुअली नुकसान हो रहा है रिवर्स को, जो पोल्यूशन हो रहा है उसको एक्चुअली रियल टाइम मॉनिटरिंग कैसा करें, उसकी यदि शिफ्टिंग करना है वो कैसा करें, उसमें लगी हुई है। आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ने भी कहा कि अगर आप स्टेज वाइज डेवलपमेंट करें, आप ये मत करिए कि एक बार में पूरी नदी को आप साफ कर सकेंगे, उन्होंने बोला आप 100-100 किलोमीटर करके कीजिए। लेकिन सरकार की जो मंशा है इसमें भी, जो एफिडेविट अगर आप देख रहे हो सरकार की तरफ से जो दिया गया, गंगा की सफाई हमारी प्राथमिकता है, गंगा नदी में प्रदूषण कम किया जा रहा है, गंगा की पवित्रता को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, इन द सेंस ये ऐसी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि हम लोगों को जागरूक बनाने की मुहिम जारी है, जिससे जो ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट एक तरह से सर नजर आ रहा है। फाइनली काम करना है सरकार को ही करना है, ना कोई एक्टिविस्ट को काम करना है इसमें, ना कोई मीडिया को काम करना है। तो सरकार एफिडेविट में अभी पूरी रोड मैप तैयार नहीं है, ये समय लगेगा इसमें, कोई जल्दबाजी, ये कोई इसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुझाव था, आप 100-100 किलोमीटर का बना के उसमें कितनी प्रैक्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा है कि एक लेमैन अप्रोच है, ये एज ए लेमैन मुझे भी ये साफ अच्छा लगता है।
सकता है, लेकिन उसमें क्या वो वायबल है, वही सही ढंग का प्लान होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ऋषिकेश से हरिद्वार का पहले एक फेज वन में ले लीजिए, ये सरकार एग्जामिन करेगी इन सारे सुझावों को, बट लेकिन अंत में ये एक्सपर्ट्स को तय करना है जो काम जो है, ये एक हाईली टेक्निकल काम है ये। हाँ। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ बैठे टेक्निकल नहीं, क्योंकि जो वहाँ पे लोग इतने बरसों से लगे आ रहे हैं वो हमेशा से कहते रहे लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो, जो स्थानीय लोग हैं ये हमारे जोड़ो, हमारे पीपल्स पार्टिसिपेशन इज अ पार्ट ऑफ आवर प्लान, देयर इज नो रोड मैप फॉर दैट, देयर इज नो रोड मैप, जस्ट एक स्लोगन है ये, ये एक्सपेक्ट करते हैं। अखिलेश जी हमें चिंता सिर्फ यही है कि भाई हम लोग वैसे गुमराह ना हो रहे हो, गंगा एक्शन प्लान हम लोग देखते देखते बड़े हो गए, अब जिस तरह से कोर्ट ने कहा हमारी जो पीढ़ी तो शायद नहीं देखे साहब गंगा, लेकिन आगे की देखेगी कि नहीं, एक रोड मैप नहीं होता कभी भी हमारी सरकारों के पास? नहीं ऐसा नहीं है, देखिए बड़ा सिंपल सा रीजन है जानने का, आज से 25 साल पहले मैं अपना बता रहा हूं, इलाहाबाद में गंगा जल भर लेते थे सब लोग सारे लोग, और वो गंगा जल काम आता था, आज कहीं पे भी गंगा जल भर लीजिए वो पवित्र नहीं है, थोड़ा मतलब वो शुद्ध नहीं है, थोड़े दिनों में वो खराब जाता 10-15-20 दिन में जी। तो क्यों हुआ है ये उसको समझना होगा, वो बड़ा आराम से आप समझ लेंगे, इंडस्ट्री और ह्यूमन, इंडस्ट्री को मॉनिटर करिए, पब्लिक में अवेयर लाइए, उनको भी चीज को मॉनिटर करके, सरकार और समाज जब तक दोनों ये नहीं मिलेगा मिल करके और एक मूवमेंट के तरीके से इस पे काम नहीं होगा, सरकारें आती जाती रहेंगे, पैसे लगते रहेंगे, अधिकारी जहां पैसों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा वो प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे, उनमें उनको उस प्रोजेक्टों में ही बड़े अधिकारियों का इंटरेस्ट होता है कि जैसे पैसे लगा देना, लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगा और इसको समझना जब तक नहीं होगा इन दो रीजनों को, तब तक ये चीजें नहीं आएंगी। जो जो जल जीव है वो हमारे इंडस्ट्रियल कचरे से ज्यादा मर रहे हैं, इंडस्ट्री जो है वो अपना प्लांट लगाती हैं तो सिर्फ जिस दिन इंक्वायरी आती है या देखने आते हैं उस दिन वो चलाते हैं, 12 महीने में 10 महीने चलाएंगे नहीं। अखिलेश जी जब आप लोग जानते हैं 3 महीने पहले कर लेते ये सब, हम लोग आंदोलन चला, जमीन के नीचे का पानी टॉक्सिक हो गया, हमारी जो गंगा है दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर है, आपको जानकर इतनी शर्म आती है हमें, जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, इतनी गंगा की बात करते हैं, दुनिया की दूसरी सबसे पोल्यूटेड नदी वो बन गई है। सर रहीजा जी आप जिस तरह से पीपल टू पीपल पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है कि जो लोग हैं नदी से जुड़े हैं उनको भी जोड़ें, आप एक उदाहरण दे रहे थे ब्रेक में हमें सैनिक फार्म से जुड़ा हुआ, आप किस तरह से देख रहे हैं बनारस में जो ये ट्रीटमेंट, जो सीवेज ट्रीटमेंट की जो इतनी बड़ी चुनौती है वहां पे, क्या वो कभी सुधर सकती है क्या? बिल्कुल सुधर सकती है। जो डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर घर के लोग जो घर का सिस्टम है इंडिविजुअल सैनिक फार्म में जो कॉलोनी है, हालांकि इलीगल कॉलोनी बोलते हैं आप, लेकिन एक जीरो डिस्चार्ज भेज देती है आपके पूरी दिल्ली के अंदर, सैनिक फार्म से कोई गंदगी नहीं निकलती, हालांकि वो आपने उसको कोई सपोर्ट नहीं दिया हुआ, तो बड़े बड़े खुले मैदान में गार्डन वाले घर हैं वहां पे, तो बनारस में घरों के अंदर घर बहुत लंबे, हाँ वहां पे हम एक तरीके का जो है इंडिविजुअल बेस्ड एसटीपीज ही है जो आपने इंडिविजुअल घर के साथ लगाए हुए हैं, लेकिन यही जो छोटे छोटे एसटीपीज हैं ये आप 3-3, 4-4 घर पे या कॉलोनी लेवल पे आप कर सकते हैं, जो जिस तरह से आपने कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, और ये बड़ा सिंपल तरीका है, और उसको आप वाटर को रिसाइकल भी कर सकते हैं। चलिए सरकार से आवाज आ रही है, सिंपल है सिंपल है सिंपल है, अब सरकार दिसंबर में कितना सिंपल करेगी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने के लिए कहा जा रहा है, माइंडसेट चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, दो चीजें, माइंडसेट एंड अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल हमेशा से हर चीज के लिए यही दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, अभी तुरंत लौटेंगे हम सबके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सुर्खियां हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। गंगा की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, तो बड़ी खबर के हम आखिरी पड़ाव में हैं, और सरकार के लिए गंगा की सफाई क्या ये सिर्फ एक नारा है या प्राथमिकता है, कितनी गंभीर है इसके मामले पर, ये हमने समझने की कोशिश की। अब सिर्फ वक्त है हमारे पास कंक्लूडिंग रिमार्क्स का, सर मैं आपसे शुरू करूंगी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वाकई में इस समय आप मंशा को कैसे देख रहे हैं सरकार? मेरा ये मानना है कि ये समस्या जो है सफाई की, गंगा की सफाई की, इसको हमें डिसेंट्रलाइज मोड में देखना पड़ेगा। अगर शहर नहीं साफ है, शहरों में गंदगी अगर गंगा में जाएगी तो गंगा साफ नहीं रह सकती है, तो इसलिए शहरों को सिटी सैनिटेशन प्लान बनाना होगा। हमें नेशनल मिशन फॉर गंगा की तरह से सिटी मिशन फॉर गंगा, और नगर के बाहर का एरिया मिला के डेवलपमेंट अथॉरिटी
अथॉरिटी का जो एरिया है, प्लानिंग अथॉरिटी का एरिया है, उसके लिए प्लान बनाना होगा और सारी योजनाओं के योजनाओं को बनाना और उसके पैसे आना वो लोकल अथॉरिटी के थ्रू जाना चाहिए इस करके। या और छोटी छोटी प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट, शहर बढ़ते जा रहे हैं तो क्या सीवर की पाइपलाइन हम बड़ी बनाते चले जाएंगे? क्या कूड़े का ट्रक हम 20-30 किलोमीटर ले जाएंगे? क्या 20 एकड़ के बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड बनाएंगे? ये सब असंभव बातें हैं। डिसेंट्रलाइज मोड, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड लोकल इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज द सॉल्यूशन। राइटर जी, क्या कोई भी डेवलपर बनारस से पैसा लगाएगा जब तक जो सीवेज सिस्टम है वहां पे ठीक ना हो? अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप और उसके साथ प्रॉपर तरीके से चीजों को रेगुलेट करने के लिए हैंड होल्डिंग करे साथ में, तो ये इन्वेस्टमेंट, अगर एक क्लीन सिटी है, एक हमारा होली सिटी है, एक हमारी आस्था है, अगर टूरिज्म भी बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, टोटल लोकल इकोनॉमी का रीजनरेशन होगा, तो उसके साथ साथ देखे ना, घर की बिल्डर्स घर बना देते हैं लेकिन बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, कुछ कनेक्शन नहीं होता, लेकिन वो खड़े हो जाएंगे गंगा के नाम पे तो लोग घर खरीद ही लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा सिस्टम को ठीक करते हैं, अगर आप हमें कहें कि भाई आप यहाँ पे एक डेवलप करें, जिस सिस्टम डेवलप करें या सिटी डेवलप करें जिसका जीरो डिस्चार्ज हो, ठीक है, और उसके लिए हम आपको ये एडिशनल ये इंसेंटिव देते हैं, ठीक है, तो आप ही सरकार का रुख देखेंगे। हम करना चाहेंगे जीवीएल। एक तो IIT का ग्रुप आपको रिपोर्ट देगा, सरकार की गंभीरता इस समय दिसंबर तक ही हम समझ पाएंगे या उससे पहले भी कुछ निर्देश आ सकते हैं? तो पहले भी जो इस रिवाइवल की जो बात चल रही थी रिवर बेसिन अथॉरिटी की और जो शहरें हैं इसमें जो टाउन्स की जो बात कर रहे थे, जो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 29 ऐसे बड़े शहर हैं जिससे गंगा नदी पार करती है। तो इस जैसा वो सही बता रहे हैं कि लोकल पार्टिसिपेशन, लोकल गवर्नेंस पार्टिसिपेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट, ये सब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केवल एक सेंट्रल की तरफ से इंप्लीमेंटेशन होगा ऐसा संभव नहीं है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हिमांशु के पास आ रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट के बाद तो ये तो साबित हो गया है कि बहुत गंभीरता से नहीं लिया है जितना गंभीरता दिखाती थी ये सरकार के। अब आगे क्या दिखाती है ये समय बताएगा, लेकिन हाँ इतना निश्चित है कि जो गवर्नमेंट नो गो में जा रही है, जो गवर्नमेंट रिजर्वायर में जा रही है, उस गवर्नमेंट के सामने ये चुनौती है कि वो जो कहती रही है गंगा के बारे में, वो करेगी कहते रहे हैं, उसको किस तरह से प्लान्ड वे में ला के देते हैं, ठीक है, ओके सर, और किस तरह से सामाजिक भागीदारी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है सर, और तीसरा किस तरह से लोगों की फीलिंग और मूवमेंट काउंट कराते हैं उसमें, ठीक है सर। सी, गंगा का जो सवाल है वो टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है सिर्फ, वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल नहीं है, सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का सवाल नहीं है, ये सवाल है एक्चुअली पिछले 40 साल का अनुभव देखें तो जिन लोगों की जिंदगी गंगा के ऊपर निर्भर है उन लोगों का गंगा एक्शन प्लान से जुड़े, और आज जिन लोग निर्णय लेते हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए उनका जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता गंगा साफ हो ना हो। ये जो डिस्कनेक्ट है बिटवीन द ड्यूटी एंड इंपैक्ट वो खत्म करना पड़ेगा। वी नीड क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स कि हर 100 किलोमीटर नहीं, हर 3 किलोमीटर पे एक गवर्नेंस कमेटी बनाए जिसमें लोगों की भागीदारी हो, हर STP के लिए गवर्नेंस कमेटी बनाए, हर अर्बन एरिया के लोकल एरिया से लेके अर्बन एरिया तक बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए जिसमें लोगों की भागीदारी हो, जिसमें पार्टिसिपेशन नॉर्म्स हो, जिसमें ट्रांसपेरेंसी के नॉर्म्स हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी के नॉर्म्स हो। ये जब तक नहीं होगा और ये रोड मैप तैयार करेगा, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी जब जनता की होगी, और लास्ट में सरकार देश की राजधानी को एग्जाम्पल बनाइए, इसको नदी क्लीन साफ करेंगे तो सब कुछ साफ होगा, ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे देश की राजधानी, लेकिन फिलहाल सबकी नजरें बनारस पर है, उम्मीद करते हैं बनारस से ही अगर शुरुआत हो जाए। देश तो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि गंगा हमारी कहां से साफ होती है, कब साफ होती है, इसी इंतजार में हम सब हैं। नमस्कार।